तो दोस्तों इस लॉकडाउन की वजह से अभी सभी लोगों को, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उन लोगों को अभी वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। यानी कि वो लोग अभी जो भी वर्क कर पाएंगे, जो भी काम कर पाएंगे, वो काम तो कर सकते हैं लेकिन घर से। तो यहाँ पर बहुत बड़ी ये समस्या आ रही है लोगों से बातचीत करने में, मीटिंग को एक अच्छे से एकजुट होकर कोई भी टॉपिक पर चर्चा करने में। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर एक एप्लीकेशन बढ़ चढ़ कर आगे आ रहा है जिसका नाम है जूम एप्लीकेशन। आपने इस एप्लीकेशन के बारे में तो सुन ही लिया होगा। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से यहाँ पर मैक्सिमम एक मीटिंग में एक साथ लाइव कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से 100 मेंबर्स एक साथ लाइव कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं वीडियो की माध्यम से। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को लेकर कुछ खुलासे भी हुए हैं कि ये डिटेल्स वगैरह लीक करता है। तो खैर आज का हमारा टॉपिक ये तो नहीं है, लेकिन हाँ जो टॉपिक है वो टॉपिक इससे रिलेटेड ज़रूर है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, यहाँ पर WhatsApp की तरफ से दो नए अपडेट आए हैं। अब कौन सा अपडेट है, क्या है, आप सभी को इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ जो मैंने शुरू में बात आपको बताई थी उससे रिलेटेड है, तो अच्छे से एंड ध्यानपूर्वक समझने की ज़रूरत है इस वीडियो को। तो मैं आप लोगों से एक ही विनती करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप हर एक चीज़ को जो भी मैंने इस डिटेल में समझाया उसको अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों जो पहला अपडेट WhatsApp की ओर से आया है वो है कि जो WhatsApp है वो लॉन्च करने वाला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो भी मीडियम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो मेंबर है उसको बढ़ाने वाला है। मतलब कि इससे पहले WhatsApp में अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे, वीडियो कॉलिंग, तो उसमें एक साथ चार मेंबर ही वहाँ पर वीडियो कॉलिंग में बातचीत कर सकते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते थे। तो इस चीज़ को अब WhatsApp जो है वो इंक्रीज़ करने वाला है। मतलब कि जो नंबर ऑफ मेंबर होंगे एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे वो यहाँ पर चार से ज़्यादा होंगे। भले यहाँ पर ये अभी क्लियर नहीं किया गया है कि कितना मैक्सिमम मेंबर होगा, लेकिन हाँ ये क्लियर ज़रूर है कि चार से ज़्यादा होंगे। एंड ऑब्वियसली यार इतने मेंबर तो होंगे ही जिससे कि लोग अच्छे से इस चीज़ का, इस फीचर का अच्छे से लाभ उठा सकें। इस चीज़ को अभी बेटा टेस्टिंग में डाला गया है, इस WhatsApp ने इसे अभी पब्लिकली लॉन्च नहीं किया है। इस फीचर को अभी, इस अपडेट को इस वर्जन में अभी आप डिस्प्ले हो रही होगी, इस वर्जन में अभी इसको बेटा टेस्टिंग के लिए डाला गया है एंड जल्द ही ये पब्लिकली भी लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट नंबर टू। तो ये भी लिंक्ड है एक दूसरे से। अब इस अपडेट में क्या होगा, पहले वीडियो कॉलिंग जो होती थी वो एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड नहीं होती थी। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन इसमें नहीं होता था। मतलब कि एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन पहले होता क्या है, तो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन मतलब कि अगर आप किसी भी चीज़ से, कोई भी व्यक्ति से चैट कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, मान के चलो यूजर नंबर वन यूजर नंबर टू से वीडियो कॉलिंग कर रहा है, तो यूजर नंबर वन एंड यूजर नंबर टू के बीच में जो भी बातचीत होंगी उस बातचीत को कोई भी क्रैक नहीं कर सकता। वो जो भी डिटेल एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं उस डिटेल को कोई भी नहीं जान सकता। यहाँ पर बीच में किसी प्रकार का सर्वर वर्क नहीं करता। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का मतलब यही है। मतलब कि मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मेरे बात को सुन पाओगे, मैं आपकी बात को सुन पाऊँगा एंड एक दूसरे को जो भी हम बातचीत करेंगे एक दूसरे तक ही वो सीमित रहेगी। हम दूसरों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति इस चीज़ को, इस बातचीत को नहीं समझ सकता जो हम लोगों ने की है। एंड यह बहुत अच्छा फीचर आने वाला है WhatsApp की ओर से। यहाँ पर दो फीचर, दो अपडेट मैंने आपको बताई। पहला अपडेट तो यार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर मेंबर जो है वो इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे। यूजर अब मोर देन फोर मेंबर एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर सकेंगे। और साथ ही साथ नेक्स्ट अपडेट जो है वो है कि आप कॉन्फ्रेंसिंग में बात तो कर ही पाएंगे, उसमें भी आपको एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का सिक्योरिटी भी मिलेगा। आप लोगों के अलावा उस चीज़ को, उस डिटेल को कोई भी लीक नहीं कर सकता। यहाँ तक कि WhatsApp भी इस डिटेल को डिकोड नहीं कर सकता, बिकॉज इन टू इन इंस्क्रिप्शन में बीच में किसी प्रकार का सर्वर वर्क नहीं करता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये दो अपडेट्स अच्छे लगे होंगे। एंड जूम एप्लीकेशन को लेकर अभी कुछ खुलासे हुए हैं जिसमें कि इसमें एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का सिक्योरिटी भी अवेलेबल नहीं है, तो इसमें डिटेल चोरी हो रही हैं।
एंड बहुत कुछ। तो हो सके व्हाट्सअप जो ये नया अपडेट ला रहा है ये जूम एप्लीकेशन से अच्छा हो सकता है, आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो बेझिझक। तो मिलते हैं आप सभी से एक अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय एंड जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।